एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर दक्षिण में तेलंगाना तक ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में जहां पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता पर आज एक्शन की बारी है, तो कल देर रात तक लैंड फॉर जॉब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने लालू के कुनबे पर शिकंजा कस लिया। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी के बड़े एक्शन की। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी आज बड़ा एक्शन लेने वाली है। कई समन के बाद आज आखिरकार के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश होंगी। ईडी ने शराब घोटाले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया और अब इसी मामले में केसीआर की बेटी से पूछताछ हो रही है। यानी शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, धरा दो। हम खोल रहे हैं अडानी का घोटाला, तो कुछ तो विचलित होंगे, कुछ तो करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बेचारे के कविता का आज ईडी से सामना। के कविता को गिरफ्तार करेगी ईडी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब बीआरएस की एमएलसी के कविता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी आज कविता से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करने जा रही है। कविता से शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सहयोगी अरुण पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। अरुण पिल्लई की 6 दिन की रिमांड 13 मार्च को खत्म हो रही है। पिल्लई के रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने दावा किया है कि अरुण पिल्लई दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता का मुखौटा मात्र था। ईडी का दावा है कि अरुण पिल्लई शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर से डील कर रहा था और साउथ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। विजय नायर को सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप का करीबी बताया जा रहा है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड एप्लीकेशन में जो बातें लिखी है उनमें के कविता की भूमिका का भी जिक्र है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी में दावा किया है कि सिसोदिया और के कविता दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों ने मिलकर दिल्ली की शराब नीति से दक्षिण की कंपनियों को फायदा पहुंचाया। ईडी की रिमांड कॉपी में इनकी सांठ गांठ का जिक्र कई बार किया गया है। इतना ही नहीं, ईडी की रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। रिमांड कॉपी में 34 नंबर पेज पर के कविता और समीर महेंद्रू नाम का जिक्र है। 35 नंबर पेज पर ITC हैदराबाद में बैठक का जिक्र है। पेज नंबर 38 में ईडी के सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला दिया गया और कहा गया कि आप सांसद संजय सिंह ने फंड जुटाने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बहस के दौरान रेस्तरां मालिक दिनेश अरोड़ा का नाम रिश्वत कोऑर्डिनेट करने वालों के तौर पर लिखा है। ईडी ने कहा 2020 में दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का फोन आया था कि चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। ईडी की चार्जशीट पे सीएम केजरीवाल का भी 2 जगह जिक्र है। ईडी के मुताबिक विजय नायर सीएम और डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मिला था। विजय नायर ने कविता से कहा था कि उसे पैसों की जरूरत है। ईडी ने नायर और कविता का व्हाट्सएप चैट भी दिखाया। ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है कि क्या सिसोदिया के बाद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है। सवाल उठने की कई वजह भी है। पहली वजह, एक अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी केजरीवाल के घर पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में दिखाई गई थी। दूसरी वजह, एक आरोपी से फेसटाइम पर बात करते हुए दावा किया गया है कि केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात करो। और तीसरी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के पीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ऐसी बहुत सी मनोहर कहानियां चलती रहेंगी, कोई
बुलाएंगे तो जवाब देंगे। सीबीआई ने भी एक चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें भी ऐसे कुछ लिखा था, तो आने दीजिए। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले की जांच में यह पाया गया है कि दक्षिण समूह के साथ हिस्सेदारी साझा करने वाली कंपनियों में से एक समीर महेंद्रू की कंपनी मैसर्स इंडो स्पिरिट्स है। समीर ने दक्षिण समूह के प्रतिनिधियों के साथ इस फर्म का गठन किया और इस फर्म में 65% भागीदारी दी। इस फर्म की हिस्सेदारी में अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंडूरी शामिल हुए। ईडी का दावा है कि ये दोनों कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये भी दावा किया गया है कि विजय नायर के कहने पर ही समीर महेंद्रू ने इन व्यक्तियों के साथ फर्म में साझेदारी की। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। उनके जो सहयोगी थे, विजय नायर पार्टी के सहयोगी थे, उनकी काफी सारी जानकारियां हैं। वो किस प्रकार से साउथ से अरुण रामचंद्रन पिल्ले के माध्यम से, जो कि के कविता के पार्टनर कह रहे हैं, अपने आप को खुद कह रहे हैं मैं पार्टनर हूं के कविता का, उसके माध्यम से कैसे पैसे यहां पर आए और कैसे वो पैसे गोवा तक गए, इसकी जरा पूरी जांच होनी है। और अपेक्षा करते हैं कि सिसोदिया साहब उसमें साथ देंगे, उसमें जानकारियां देंगे। पूछताछ से एक दिन पहले के कविता ने दिल्ली के जंतर बंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर भूख हड़ताल की, जिसमें विपक्ष के 12 दलों के नेता समर्थन देने के लिए आए। धरने में आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेता शामिल हुए। कविता के इस धरने को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। के कविता आरोप लगा रही है कि तेलंगाना में चुनाव से पहले मोदी सरकार उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। मैंने धरना का ऐलान किया था, तब तक तो मुझे ईडी ने नहीं बुलाया था। जब मैंने डिक्लेयर किया 2 तारीख को मार्च के कि मैं 10 तारीख को धरना कर रही हूँ, 7 तारीख के रात को मुझे ईडी ने नोटिस भेजा कि आप 9 तारीख को आ जाओ। मैंने बोला ऐसा क्या जल्दी आफत आ गई है भाई, हम लोग आराम से आ जाएंगे, 16 तारीख को आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा इमीडिएटली। मैंने बोला ठीक है, 10 तारीख को हमारा धरना है, धरना खत्म करके 11th को आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को हमें इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं। अब आज सबकी निगाहें ईडी पर टिकी है कि वो पूछताछ के बाद के कविता को गिरफ्तार करती है या नहीं। के कविता शराब घोटाले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार कर रही है। कविता का आरोप है कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर उनसे जबरन बयान दिलवा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।